राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस को छोड़ सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। इस बीच तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के लिए मोकामा पहुंचे। तेजस्वी ने अनंत सिंह के लिए समर्थन की जोरदार अपील की। आपको बता दें कि मोकामा प्रखंड के मेकरा गाँव में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार हर मोर्चे पर विफल है। साथ ही तेजस्वी यादव ने इस सरकार की विदाई में जनता से सहयोग की गुजारिश भी की। विशेष क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आप खुद सुनिए। तीर का जमाना आ गया, मिसाइल का जमाना आ गया। अपने अपने तीर से जो नौजवानों को जो छल्ली करने का काम किया गरीबों को बिहार में, तो ये समझना पड़ेगा। आप लोगों को बताना है, को मिटाना है, तो लालटेन के प्रकाश को जलाना है, गरीबी को हटाना है, तो लालटेन के प्रकाश को जलाना होगा, नफरत को खत्म करना है, लालटेन के प्रकाश को जलाने का काम करना होगा। जितना जीविका दीदी है, जितना स्वयं सहायता समूह है, भाषा विकास मित्र है, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको नियमित करेंगे और उनका मानदेय को भी बढ़ाने का काम करेंगे। टीचर लोग, नियोजित शिक्षक लोग, हमने वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो सारे नियोजित शिक्षकों को जो उनका मांग रहा है समान काम समान वेतन, उसको हम लोग पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। पहला कैबिनेट मीटिंग होगा, पहला मेरा अगर काम चलेगा दस का प्रभाव, तो 10 लाख नौजवान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष पैकेज नहीं मिला। 15 साल से आप लोगों को ठगने का काम किया गया, लेकिन 10 नवंबर को रिजल्ट आना है। लेकिन मोकामा की जनता ने तय कर दिया कि मौजूदा सरकार का 10 तारीख को विदाई तय है।